काम बहुत ही ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको करने के लिए हमको बहुत ही ताकतवर बनना पड़ता है। सुन रेस्टोरेंट से फोन आ रहा है ना, कुल वही तो लगा था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। और आज है नागपंचमी, तो सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ये ब्लॉग जाएगा तो नागपंचमी बीत चुकी होगी, तो नागपंचमी को बहुत बहुत नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा मेहंदी का कलर आ गया, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, उंगली पे लगाया था। और गैस को किचन से निकाल के ना यहाँ सारे मम्मी लावा भूज रही हैं, जो कि किचन में इसलिए नहीं भूजा गया ना, क्योंकि ये देखिए इतना दूर फैलता है, तो इसके वजह से मम्मी यहाँ लेके आई हैं और कंफर्टेबल बैठ के भून लेंगी, क्योंकि ना किचन से पानी थोड़ा आता है सीढ़ी के रास्ते नीचे, तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सिस्टर गई है नहाने, अभी भाई नहाएगा फिर जाएगा दूध और लावा चढ़ाने। देखिए अभी इसका पामी नहीं देखिए ही है, और पापा गए ना कटहल का पत्ता लाने, कटहल के पत्ते पे दूध और लावा रख के जो हमारा देवपुर होता है, मतलब पूजा वाला स्थान, वहाँ पे रखा जाता है। तो चलिए नहाते हैं धोते हैं, फिर जो जो होता है आज का वो बताते हैं, और आज बनेगा पूरी सब्जी। और एक बात बता दूँ और एक बात बता दूँ कि ये वाला जो लावा है ना चूल्हे पे भूजा जाता है हमारे वहाँ गाँव में, बट इतना बारिश आ रहा है आज सुबह से ना कि पूछना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रहा है। तो चूल्हा नहीं चलाया गया है, गैस पे ही भून दिया गया है, क्योंकि आने जाने में ना बहुत ही ज़्यादा कचरा है। और आज देखें हम लोग इनको सुबह ही सुबह इनको थोड़ा सा कैप्चर कर पाई हूँ, अभी वीडियो में दिखाऊँगी, यहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और नहाते धोते हैं और ब्लॉग का स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे पापा लेके आ गए थे कटहल का पत्ता, और इस पत्ते को ना धुल के अच्छे से, और सात सात पत्ता यानी कि सात दोनों 14 पत्ता इसमें से हम तोड़ लेंगे। सात पत्ता जो हमारा पूजा वाला घर होता है उसके दरवाजे पे रखना होता है लाइन से, और उस पर दूध लवा चढ़ता है जैसे इसमें चढ़ा हुआ है, और सात पत्ता जहाँ पूजा स्थल है उस पर चढ़ाया जाता है। ये हमारे वहाँ नागपंचमी पर ऐसी पूजा होती है, और आज के दिन भगवान जी का कपड़ा वपड़ा भी चेंज होता है, पूरा स्थली पूजा स्थली साफ़ हुआ है। तो यहाँ सिस्टर ना भगवान जी को दूसरा वाला ड्रेस पहना रही थी, और पहला ड्रेस धुल के रखा जाता है, फिर दूसरा ड्रेस पहना, दो कपड़े हैं, दो जोड़ी भगवान जी के। तो यहाँ सिस्टर वो पहना रही थी, और सिस्टर ने भी ये नई वाली कुर्ती पहनी थी जो मैंने बर्थडे में गिफ्ट करी थी, ये वाली थोड़ी ग्रीननेस ये भी है, मतलब कि ये भी रेडियम टाइप का ही है। और आवाज़ में थोड़ा सा सर्दी जैसे लग रहा होगा, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि तबीयत ख़राब है, और वीडियो देना आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा रूटीन है, मेरे लाइफ में ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं नहा धोली हूँ, और वीडियो बनाने के लिए मुझे यहाँ ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ही ना उजाला मिलता है, बाकी रूम में लाइट है लेकिन अंधेरा रहता है, पता नहीं क्यों। तो अभी नहा लिए हैं, पूजा पाठ भी हो ही गया है सारा कुछ, तो अभी चल रहे हैं खाना बना रहे हैं, और खाने में बनाएंगे पूरी सब्जी और गुड़ वाला चावल बनता है। ओके, तो सब लोग आज नया नया पहने थे, मैंने सोचा भी नया कुछ पहनते, तो मैंने ग्रीन वाला सूट डाल लिया। और आज पंचमी, तो सावन हम लोग का पहला त्यौहार है आज सावन में, तो सावन है, और ग्रीन मतलब ग्रीन तो नहीं है, रेडियम है, लेकिन मैंने पहन लिया ऐसे ही। और सिस्टर ने भी नया कुर्ती पहनी हुई है, अभी दिखाऊंगी मैं, और बात करेंगे आगे। और आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ, बाई टाइटल आप लोग समझ ही गए होंगे, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जब नागपंचमी के दिन मेरा ना दोपहर तक बहुत ही अच्छा तबीयत था, जब तक मैंने खाना वाना सारा बनाया, तो दाल वाली पूड़ी, सादे पूड़ी, सब्जी और गुड़ वाला चावल बनता है, खीर नहीं बनता है, क्योंकि ना नागपंचमी के दो दिन बाद यानी नागपंचमी के अगले दिन, उसके अगले दिन हमारे वहाँ एक पूजा चढ़ता है, उस दिन खीर बनता है, सप्तमी के दिन खीर बनता है, पूजा चढ़ता है, किसके इसके वहाँ चढ़ता है बताइएगा मुझे कॉमेंट करके। और यहाँ कुकर में आज सब्ज़ी बनाई थी मैं, और आलू और केले का सब्जी बना था, मसाले वाला थोड़ा सा ग्रेवी था, क्योंकि दाल वाली पूड़ी के साथ थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है, और यहाँ गुड़ वाला चावल बन गया था। हेलो एवरीवन,
कल नागपंचमी का वीडियो आधा मतलब खाने वाने तक का शूट किया, उसके बाद से कुछ नहीं बात कर पाई क्योंकि कल से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, सर्दी जुखाम बुखार। और ना एक आपको बताऊँ गुड न्यूज़, मेरे दांत यहाँ से निकल रहे, मतलब कि एक जो चौड़ा वाला दांत होता है ना ये वाला, ये निकल रहा है इधर लास्ट में, एक कोई उम्र है दांत निकलने की, अभी दांत निकल रहा है। इसके वजह से ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि बॉडी में पेन, बुखार भी हो गया था रात में, ऑयलिंग की हुई हूँ, सुबह से सोई हुई थी, तो सोची इस वीडियो को अभी एडिट कर दूँ, तो देखा कि वीडियो तो थोड़ा सा ही बना था कल का, तो सोची बात कर लूँ। और बात क्या करना है कि आप लोग में से काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा है कि दीदी आपकी वीडियो में आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर क्यों नहीं आती हैं, तो आपकी वीडियो में आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर क्यों नहीं आती हैं, तो रीज़न ये है कि सिस्टर मेरी इस वीडियो लाइन में नहीं है और उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ती लिखती है बकायदे, खाती पीती है, सोती है, मोबाइल अपना जो देखना होता है देखती है, वीडियो में उसका नहीं है, उसको मन नहीं है वीडियो में आने का, ना ही वो फ्यूचर में कभी चैनल वैनल बनाने का सोची है, ना कभी मैं उसको सजेस्ट करती हूँ, मैं चाहूँ तो उसका भी चैनल खोल सकते हैं पढ़ाई एजुकेशन के टॉपिक पर, बट नहीं होता है ऐसा, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ। अगर खुशी से आपके वीडियो में कोई आता है ना तो अच्छा लगता है, अब किसी को बोल के लेके आओ वीडियो में तो अच्छा नहीं लगता है, वैसे कभी कभी आ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से मना ही करती है कि मत लेके आओ, आती है। और भाई लोग तो आते ही हैं, मम्मी का क्या रीज़न है, मम्मी अभी मेरी बहू हैं, जहाँ पे मम्मी मेरी रहती हैं या फिर मेरे दूसरे वाले गांव पे जहाँ पे मम्मी पहले रहती थी, जहाँ पे हम लोग का पहला वाला घर है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अभी मम्मी को देखे रही हैं, और मैक्सिमम मेरे दोनों गाँव के लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैक्सिमम लोग देखते हैं जिनको पता है कि मेरा चैनल है, और गाँव में पता है एक लोग का किसी का वीडियो दिखता है ना तो एक दूसरों को कहते हैं सुनो फलाने की लड़की वीडियो बनाती है, तो लोग देखना स्टार्ट कर देते, तो मम्मी का थोड़ा सा शर्म आता है क्योंकि मम्मी शुरू से ही ना एक लिहाज शर्म के उसमें रहती हुई आई हैं हमेशा पल्लू, और मम्मी अभी भी बाहर नहीं जाती हैं, मतलब गांव में कहीं नहीं जाती हैं, मेरे उस वाले गांव भी नहीं जाती थी और इस वाले गांव नहीं जाती है, जब से हम लोग बड़े हो गए तब से मम्मी यहाँ आ गई, तो यहाँ पर कुछ भी गाँव में पड़ता है तो हम ही दो बहन जाते हैं या फिर हम ही ज़्यादा जाते हैं, छोटी सिस्टर भी नहीं जाती है, तो ये रीज़न है। और वहाँ पे था तो वहाँ दादी थी, तो दादी जाती वाती थी, मम्मी कभी बाहर नहीं निकलती हैं, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा बाहर एक किनारे घर है मेरा, तो दरवाजे पे निकल भी जाती हैं क्योंकि रोड से दिखता नहीं है इधर हमारा बाहर का जो ग्राउंड है, तो इसके नाते निकल जाती है, लेकिन ना गाँव में कहीं किसी के वहाँ नहीं जाती हैं, अपना जो खास अगल बगल का घर है जैसे बड़ी मम्मी का, बड़े बाबा दादी वादी का, मतलब जो अगल बगल में खास जो पटदार बोलते हैं उनके वहाँ कुछ होता है तो ही मम्मी जाती है, बाकी किसी के वहाँ गाँव में नहीं जाती, हम ही दो बहन जाते हैं, और बहनों में भी हम ही जाते हैं, सिर्फ सिस्टर छोटी वाली नहीं जाती है, तो मम्मी के ना आने का रीज़न यही है, बट मम्मी को ले आती हूँ कभी कभी, वैसे मैं मेरी जहाँ तक समझ है ना इतना पल्लू करने से कोई लाशरम नहीं होता है, बहुत लोग यहाँ तक करके भी पल्लू ना बहुत कुछ कर जाते हैं, और बहुत लोग यहाँ तक पल्लू करके ना बहुत कुछ वो कर देते हैं, तो मम्मी को थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है कि रिश्तेदार लोग देखेंगे या फिर जो मुझे नहीं देखे शुरू से वो वीडियो में देखेंगे तो क्या कहेंगे, और गांव का माहौल पता ही है क्या होता है कि बात इतनी सी होती है और इसको उतना कर देते हैं लोग गांव के, तो ये रीज़न है, तो मैं फोर्स नहीं करती हूँ कि आप आओ आप आओ, तो आप लोग समझ गए होंगे। वैसे अगले वीडियो में मैं मम्मी को ज़रूर लेके आऊँगी, अगले वीडियो में मैं मम्मी को ज़रूर लेके आऊँगी, थोड़ा सा ही लेके आऊँगी लेकिन ज़रूर लेके आऊँगी, और उनकी मर्ज़ी से, अगर मैं उनको बोलूँगी कि ऑडियंस आपको देखना चाहती है, मेरे जो सब्सक्राइबर जो मेरे फैमिली मेम्बर है यूट्यूब पे वो आपको देखना चाहते हैं आप आओगे, तो अगर वो कुछ भी बोलेंगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अगर वो आना चाहेंगी तो मैं आप लोग के साथ मम्मी को लेके आऊँगी दिखाऊँगी, और वैसे मम्मी को जो आपने देखा है बट वीडियो में नहीं आती है, ये इस पर कई लोग का कॉमेंट आ रहा था, तो आप जान गए होंगे बिकॉज कि थोड़ा सा होता है ना गाँव में वो थोड़ा सा बातें होती हैं किसी किसी की, अब बहुत लोग ना कहते हैं कि तुम्हारा वीडियो देखते हैं, तो वीडियो एक कहने में भी ना दो तरीका होता है, एक आदमी मज़े लेके कहता है कि हम तुम्हारा वीडियो देखते हैं, और एक हम आपका वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा कुछ कर रही हो आप, तो ये दोनों चीज़ में बहुत अंतर हो जाता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आवाज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा क्योंकि
सर्दी हो रखी है और दांत निकल रहे हैं ना, तो इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। दवा मैं ले रही हूँ कल से, और कल शाम को ली, आज सुबह में ली, अभी रात में लूँगी, आराम हो जाएगा। तो कल ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, मतलब सेकंड ब्लॉग आप लोग के पास आएगा, जिसमें बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे देना है, जो कि मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर लोग ने किया हुआ है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आई होप कि आप लोग को मम्मी और सिस्टर के ना आने का रीज़न पता चल गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अभी एडिट भी करूँगी, अपलोड भी करूँगी, तबीयत भी ख़राब है, सब कुछ करूँगी इसी तबीयत को लेके। तो काम बहुत ही ज़रूरी है, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको करने के लिए हमको बहुत ही ताकतवर बनना पड़ता है। अगर हमारा तबीयत भी ख़राब हो तो मुझे काम तो करना ही, अगर हम कहीं जॉब करते तो वहाँ 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते, यहाँ तो 2-3 घंटे देंगे अपने वीडियोस को, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, तो इसके नाते काम करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। नमस्ते। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यहाँ आईडी दे दूँगी, प्रिया द्विवेदी 9919, वहाँ पर 22,000 फैमिली जो है कम्प्लीट हो गई है, तो आप लोग के सपोर्ट प्यार की वजह से हुआ है। तो चलिए ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू सो मच।